कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को साथी विधायकों के साथ ट्रैक्टर से विधानसभा जाने की घोषणा पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब नौटंकी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कमलनाथ को किसानों से धोखाधड़ी के लिए माफी मांगकर नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कमलनाथ के पास किसानों के लिए समय नहीं था। किसानों को कर्ज माफी का झांसा देकर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन वादा पूरा नहीं किया, जिससे किसान डिफॉल्टर हो गए। अब जबकि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है, तो उन्हें ट्रैक्टर याद आ रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2018 और 19 के कमलनाथ द्वारा रोके गए फसल बीमा के लाभ को किसानों तक पहुंचाया। सोयाबीन की फसल खराब होने पर RCB के तहत 1600 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई। अभी किसानों को और राहत दी जानी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ नौटंकी के बजाय नैतिकता दिखाएं और किसानों से माफी मांगकर नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दें। ट्रैक्टर में बैठकर कांग्रेसियों के साथ विधानसभा में जाएंगे तो नौटंकी है, तो वही कहावत हुई, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों को धोखा दिया, किसानों को लूटा, प्रदेश को लूटा, और उसका प्रमाण है चुनाव आयोग ने और इनकम टैक्स ने जब छापे मारे हैं तो 287 करोड़ रुपया जो अधिकारियों से और प्रदेश से लूट कर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में जमा किए, उनके CA क्या, चालानी क्या मिले, उनका PA, उनका OSD, उनका सलाहकार, उनका भांजा और उनकी मोजरवेयर कंपनी सब इस घोटाले में लूटने में शामिल थी और सरगना थे कमलनाथ जी। अब कमलनाथ जी नौटंकी बंद करो और नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दो। अगर पहले किसानों की चिंता कर लेते और किसानों को लूटते नहीं, किसानों का 2 लाख का जो कर्जा कहा था माफ कर देते, किसानों का बीमा दे देते 18-19 का, जब तो कुंडली मार के बैठे थे, और मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो उन्होंने 8 दिन के अंदर 3224 करोड़ 18 का बीमा दिया जो आपने नहीं दिया था। 19 का बीमा हमने 4500 करोड़ स्वीकृत हुआ था, हमने 5425 करोड़ दे चुके और देंगे, और अभी 4700 करोड़ हम RBC 6000 का दे रहे हैं, 1600 करोड़ दिए हैं, 4000 रुपए मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कल्याण निधि में दे रहे हैं। आपने तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो 6000 की सूची थी वो भी नहीं भेजी किसानों को, अभी 78 लाख किसानों को मिल रहे उनको भी आपने वंचित रखा, और इसलिए आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप सिर्फ सत्ता के लिए किसानों को लालीपॉप देते हैं, वचन देते हैं, बाद में बदलते हैं, और इसलिए जनता ने आपको घर बिठाया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।